नीतीश कुमार जिसने पंगा लिया उसका उन्होंने वो दुर्गति किया कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम खोलने वालों की क्या दुर्गति होती है। जॉर्ज फर्नांडिस को ही क्यों ना देख लें, आप देख लें फिर से शरद यादव को ही देख लें, आप आरसीपी सिंह को देख लें, क्या इन लोगों की दुर्गति हुई। सुनील सिंह वो सरेंडर किए, सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष वो सरेंडर किए, बीमा भारती वो सरेंडर किए, उपेंद्र कुशवाहा वो भी सरेंडर किए। बिहार में एक ही मात्र नेता है जो नीतीश कुमार से आंख मिलाकर उनको परेशान भी करते रहा, नुकसान भी पहुंचाते रहा, उनके खिलाफ आरोप भी लगाते रहा, जेल भेजने की भी धमकी देते रहा। आज ऐसी स्थिति है दोस्ती करते हुए घूम रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जो हैं दोस्ती से ज्यादा अपनी दुश्मनी के लिए विख्यात हैं, क्योंकि दुश्मनों को जिस तरह वो पटकनी देते हैं, बर्बाद करते हैं, वो फेमस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। नीतीश कुमार जिसने पंगा लिया उसका उन्होंने वो दुर्गति किया कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम खोलने वालों की क्या दुर्गति होती है, और यह भी चर्चा करेंगे कि बिहार में एक ही मात्र नेता है जो नीतीश कुमार से आंख मिलाकर उनको परेशान भी करते रहा, नुकसान भी पहुंचाते रहा, उनके खिलाफ आरोप भी लगाते रहा, जेल भेजने की भी धमकी देते रहा, लेकिन नीतीश अंततः उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सरेंडर कर दिए नीतीश, और आज ऐसी स्थिति है दोस्ती करते हुए घूम रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जो हैं दोस्ती से ज्यादा अपनी दुश्मनी के लिए विख्यात हैं, क्योंकि दुश्मनों को जिस तरह वो पटकनी देते हैं, बर्बाद करते हैं, वो फेमस है। ताजा उदाहरण सुनील कुमार सिंह का है, कैसे उनको बिस्कोमान के चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया और विधानसभा विधान परिषद की सदस्यता से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन हम बताएंगे आपको वो कौन ऐसा नेता है जो नीतीश कुमार को हमेशा से चैलेंज करते आया है और नीतीश कुमार आज तक हानि नहीं पहुंचा पाए। आपको बता दें ये नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि अभी ताजा कुछ समय में किन किन नेताओं को नीतीश कुमार ने धूल चटाया है। ताजा प्रकरण है सुनील कुमार सिंह, जिनको बता दें कि कल ही जो है विधान परिषद की सदस्यता से बाहर कर दिया गया, बिस्कोमान के चेयरमैन भी नहीं रहे। लगातार 1-1.5 सालों से नीतीश कुमार के खिलाफ फ्रंट खोले हुए थे, चाहे सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, या फिर विधान परिषद में लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो मुहिम चला रहे थे और उन पर वार पे वार किए जा रहे थे, और नीतीश कुमार का वार जो रहा वो आज सुनील कुमार सिंह को सड़कों पर ला दिया। वही बात करें सम्राट चौधरी, लगातार कहते रहे मुरट्ठा मैंने बांधा है और नीतीश कुमार को जब तक मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाऊंगा ये मुरट्ठा मेरा नहीं खुलेगा, 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनी कि सम्राट चौधरी को अपना बाल भी मुड़वाना पड़ा, मुरट्ठा भी खोलना पड़ा, और ये भी बोलना पड़ा कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में यही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। तो वही बता दें बीमा भारती भी नीतीश कुमार के खिलाफ फ्रंट खोली हुई थी, जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा तभी से उनके बागी तेवर थे, जदयू छोड़ आरजेडी में चली गई, पूर्णिया लोकसभा सीट हारी, उपचुनाव हारी, और अब पता चला है कि कल नीतीश कुमार से भेंट भी की है। घंटों इंतजार करने के बाद नीतीश कुमार ने उनसे भेंट किया और बाहर ये खबरें चली कि वो अपने आवास के लिए नीतीश कुमार से भेंट किया, लेकिन जो राजनीति के जानकार है उनका कहना है कि अब बीमा भारती भी सरेंडर कर चुकी हैं, माफी मांग रही हैं नीतीश कुमार जी से। लेकिन हम इन सब के बीच में चर्चा करें कि कौन ऐसा नेता है जिसने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर नहीं किया बल्कि आंख से आंख मिलाकर उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया है, आज तक आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर आपको हम बता दें कि चिराग पासवान जो हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार फ्रंट खोले हुए हैं, 2019 से ही देख ले, जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ तब से ही लगातार नीतीश कुमार के नीतियों कार्यप्रणालियों के खिलाफ वो हमलावर रहे हैं,
और 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के कारण ही नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई जदयू। और नीतीश कुमार भी बदला लेने के लिए पूरा जी जान लगा दिए, पार्टी को तोड़ा, चाचा भतीजे के बीच में दरार खड़ी करवा दी, दीवार खड़ी करवा दी उन्होंने। बावजूद इसके चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर नहीं किया, लगातार 3 साल तक उनके खिलाफ फ्रंट खोले रखा। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी खबरें मिली चुनाव के दौरान कि जदयू का पूरा प्रयास था कि चिराग पासवान जितने सीटों पर से उनकी पार्टी खड़ी है वहां समर्थन न किया जाए, विरोधी को समर्थन किया जाए, समर्थन नहीं भी किया गया। बावजूद इसके सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चिराग पासवान का रहा, 5 के 5 लोकसभा सीट जीतते गए। और आज परिस्थितियां ऐसी बनी है, जो खबरें निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से दोस्ती करने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार धूल चटाने में असक्षम रहे हैं, और चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार को भी पता है कि ऐसे नेता हैं कि इनसे बैर रखना जो है वो बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि फिर से विधानसभा चुनाव आ रहा है और चिराग पासवान से नाराजगी मतलब जदयू को तीसरे नंबर की ही पार्टी बनाए रखना। तो बता दें, नीतीश कुमार जो है वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे कोई भी पंगा लिया, कोई भी उनके खिलाफ गया, कोई भी उनसे बात नहीं माना, उसका वो राजनीतिक हत्या कर देते हैं, एक तरह से कहा जाए धूल चटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस को ही क्यों ना देख ले, आप देख ले फिर से शरद यादव को ही देख ले, आप आरसीपी सिंह को देख ले, क्या इन लोगों की दुर्गति हुई। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिना नीतीश कुमार के सहमति के जाकर केंद्रीय मंत्री बन गए, और नीतीश कुमार देखिए कैसे उनको साइड किए, पहले राज्यसभा का सदस्यता उनका कंटिन्यू नहीं किया गया, मंत्री पद से हटना पड़ा, बीजेपी ज्वाइन किए, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ फ्रंट खोले रखे, लेकिन अंततः क्या हुआ आज कहीं नहीं है। और आज भी अब जो ताजा उनके बयान आए हैं वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए ही दिख रहे हैं, यानी कि वो भी नीतीश कुमार के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति का सबसे युवा चेहरा चिराग पासवान जो हैं, जिनको नीतीश कुमार पटकनी देने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, और चिराग पासवान जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए अभी भी नासूर बने हुए हैं। और नीतीश कुमार इसे समझ भी रहे हैं कि चिराग से पंगा लेना उनके सेहत के लिए खतरनाक है, राजनीतिक सेहत के लिए खतरनाक है। 2020 के चुनाव में परिणाम सबने देखा, और डर यह भी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान उनसे नाराज होते हैं या फिर चिराग के खिलाफ वो कोई अगर मुहिम चलाते हैं तो जदयू को फिर से तीसरे ही नंबर की पार्टी बनना पड़ेगा। तो बताएं आपको हम कि बड़े बड़े सुरमा हार गए। देखिए आप, सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, राजद के एक मजबूत सिपाही वो सरेंडर किए, सम्राट चौधरी बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा दल, बिहार देश का सबसे बड़ा पार्टी, उसके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम बिहार के वो सरेंडर किए, बीमा भारती 5-5 बार से विधायक वो सरेंडर किए, आरसीपी सिंह इतना बड़ा चेहरा वो सरेंडर किए, उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा चेहरा बिहार का वो भी सरेंडर किए, लेकिन सिर्फ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उन्हें जवाब दिया। और नीतीश कुमार को भी ये पता चला कि चिराग पासवान से निपटना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ बहुत बड़ा जन समर्थन है, और हम देख चुके हैं विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में हो, उनका वोट परसेंटेज, उनके समर्थक जो है उनके लिए एक पैर पर खड़ा रहते हैं, और यही वजह है कि नीतीश आज तक उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।